तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो करते हैं स्टार्ट। 12 बजने वाले हैं, तो आज व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये था, मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी और कुछ बताना था कि मैं आजकल कहाँ बिजी हूँ। तो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जा रहे थे तो उनमें बिज़ी था, तो टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग बनाने का, क्योंकि इवेंट्स भी होते हैं। तो फिर अगर छोटी वीडियो बना के उसके बाद मैं काम पे लग जाऊँ और व्लॉग पूरा ना हो तो फिर आपके साथ मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि एक वीडियो बनाती हैं, उसमें मैं बताता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरा इवेंट था, अभी शॉप पर बैठा हूँ, दोस्त जो गया हुआ है वो इवेंट पर गया हुआ है, तो अभी ड्यूटी दे रहे हैं शॉप पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ यहाँ पे गप शप स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे आने वाले ब्लॉग के बारे में कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। तो कुछ दिन पहले मुझे एक 70cc बाइक चाइना की थी, 2015 मॉडल, वो मुझे मिली। उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी, काफ़ी जंग वगैरह लगा हुआ था और काफ़ी जनाब जी यही था कि उसको फुल मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो पहले तो मैंने सोचा यार अगर देखता हूँ कि अगर मॉडिफिकेशन होती है या फिर उसकी रेस्टोरेशन होती है तो देखता हूँ किस हिसाब से होती है। तो लेकिन जब मैंने बाइक देखी तो मुझे पता चला कि ये तो रेस्टोरेशन नहीं हो सकती, मॉडिफिकेशन ही होगी। तो मैंने ये सोचा अगर मॉडिफिकेशन करनी ही है तो क्यों ना इसको ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए कि ये थोड़ी सी अलग बाइक लगे। तो अभी इंशाल्लाह ताला ये जब मैं बिज़ी, यानी कि अभी थोड़ा सा इवेंट वगैरह चाह रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, जैसे ही इससे फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसकी बाइक की जो है डिसम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी डिसम्बलिंग करनी है और अभी बाइक खड़ी भी है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उस पर क्या चेंजिंग करनी है या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है कि अगर उसको कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए कि जो अच्छी लगे और वो लगे तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ख़ुद भी उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कैसी बाइक बनाई जाए। तो एक तो मैंने 125 कैफे रेसर पे कन्वर्ट की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोगों को पसंद भी आया है, मेरी वीडियोज़ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, काफ़ी लोगों ने दाद दी है। लेकिन अभी वो इतनी क्योंकि मैं जिस शहर में रह रहा हूँ वहाँ पे कैफे रेसर की या मॉडिफिकेशन चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, काफ़ी ढूंढनी पड़ती है। मैंने भी लॉकडाउन के सीज़न में वो बाइक कंप्लीट की थी, ऐसे ही कभी एक चीज़ ले आया कभी दो चीज़ें ले आया, तो काफ़ी लोगों को पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बाइक लगी, मुझे खुद पसंद लगी। लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी तब्दीली करनी है और वो यही है कि जब मैं फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह ताला तब्दीली करेंगे, उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं तब्दील कर रहा हूँ। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो सॉरी, शॉप पे बैठा हूं और इस तरह की फिर आवाज़ें आती रहती हैं। तो भाई जान सीन ही कुछ ऐसी हैं कि उसमें मेरा दिल कर रहा है, जो 125 बाइक है उस पर मेरा फैट टायर डालने का मूड कर रहा है, ऑफ रोड भी और ऑन रोड भी। फैट टायर वैसे आते तो ऑफ रोड ही हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारी मेरे सिटी की जैसे रोड्स हैं वहाँ पे चल सकती हैं, तो अभी ये सोचा है लेकिन जल्द से जल्द इस पर अमल भी करेंगे। और बाकी जो 70cc है उस पर जो मॉडिफिकेशन करनी है वो भी काफ़ी अच्छी करनी है, कुछ उसमें मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जो रिम है वो 125 के डाले जाएँ, टायर 125 के डाले जाएँ, कुछ ऐसा किया जाए कि वो बाइक जो है काफ़ी, एक तो थोड़ी सी साइज से ऊंची लगे और काफ़ी अच्छी भी लगे, चलते हुए मज़ा आए और रोड ग्रिप भी उसकी अच्छी हो। तो अभी सोचा है लेकिन ये तो पता लगेगा डिसम्बलिंग होगी तो क्या कुछ चेंजिंग करता हूँ क्या कुछ नहीं करता। बाकी मैंने 3-4 दिन व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन ये था कि व्लॉग बनाना नहीं कम्प्लीट होता था, बिज़ी हो जाता था या इवेंट थे या फिर शॉप पे आ जाता था, फिर पूरी कंप्लीट नहीं होती थी। सोचा कि आपसे को आज मैं बता दूं कि मैं बिज़ी हूं तो इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे, देखते हैं क्या करना है, किस तरह की बाइक तैयार होगी, कोई आइडिया नहीं है,